हमारे साथ शिवानी जी जुड़ेंगे क्योंकि लगातार यह लाइव डिबेट में हमारे साथ जुड़ती है। शिवानी जी, ये बताइए, आपकी फ्रेंड लगातार बैठी हुई है, आप भी बैठे हुए हैं, रात दिन यहीं पे रहते हैं, क्यों नहीं सरकार आपकी बातों को मान रही है? आखिर क्या करवाना चाहती है आप लोगों से, पढ़ लिख के और क्या चाहिए सरकार को? सर देखिए, सरकार मानेंगी, हम पूरा उम्मीद लेके यही बैठे हैं। जैसा मैंने बोला भी था कि सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता है। पराजित तो नहीं होंगे हम, क्योंकि हमारी मांग ही वैसी नहीं है कि हम पराजित हो जाएं। रही बात कि हम यहाँ बैठे हैं, अभी तक कोई नहीं आया है पूछने के लिए, वो एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है हमारे लिए भी कि क्या हमारी ये स्थिति किसी को दिख नहीं रही है। हम यहाँ पे किसी से सिंपति मांगने के लिए नहीं बैठे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम मेहनत करके कमा के खाना चाहते हैं, मेहनत करके काम करना है और काम करके यहाँ अपना अधिकार लेने के लिए बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी से सिंपथी लेने के लिए बैठे हैं, हम सिर्फ अपना रिजल्ट चाह रहे हैं, जो कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए, हमारा संघर्ष वहीं ख़त्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार को हम इतना आश्वासन आपको दे सकते हैं, सरकार को पता है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, यह चीज़ आप लोग डाउट में नहीं रहिए कि सरकार को पता नहीं है। ऐसा तो नहीं, अरे ये लोग धरना प्रदर्शन पे है बैठा हुआ, कुछ दिन में उठ जाएगा, यह तो सरकार नहीं सोच रही है कि 10 दिन 5 दिन में उठ जाएगा। आप लोग क्या यह सोच के बैठी हुई कि 10 दिन में उठ जाएंगे कि यहाँ से लेकर ही जॉब जाना है? घर में बैठने से अच्छा है कि अपना हक के लिए गर्दनी बाग में आवाज उठाते रहें। बिल्कुल सर, आज सुबह मैंने बाकी लड़कियों से भी यही अपील की है कि हम घर बैठे ये कहते हैं कि हमें मौका नहीं दिया जाता। घर बैठे 3 साल से तो इंतजार किया, अब क्या कीजिए? बिल्कुल इंतजार किया, और अगर जैसा आप बोल रहे हैं कि सरकार को पता है कि हम यहाँ बैठे हैं, कंफर्म पता है, बिल्कुल तो पता है, तो जरूर उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी सरकार हो, आयोग हो, डिपार्टमेंट हो, कोई अगर ये सोच रहा है कि हम हारने वाले हैं, तो हम हारेंगे नहीं। इसलिए नहीं हारेंगे क्योंकि हमारी मांग है नेवर एवर गिव अप, हार मानने की बात ही नहीं, वी विल नेवर गिव अप। हम अपना रिजल्ट लेके जाएंगे, ये हम एकदम इस बार डिसीजन लेके बैठे हैं। जहाँ जॉब करते थे वो जॉब रिजाइन मार के आ गए हैं सर, रिजाइन मार के, बिल्कुल रिजाइन मार के आ गए हैं। अब ये लेके जाना है रिजल्ट, हम रिजल्ट जान नौकरी लेके जाना, नौकरी लेके जाना है, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी लेके पूरा कंफर्म करके जाना है। अब अगर ये कोई भी सोच रहा है कि हम यहाँ से हार के जाने वाले हैं, तो हम बिल्कुल नहीं जाने वाले, क्योंकि हारने वाली स्थिति नहीं है ना सर, हमारी स्थिति वैसी है ही नहीं, हारेंगे हम। आप लोग नहीं बोलते, जीत की खुशी मना ली है, उसके बाद सरकार ने आपको गम में डुबा दिया। हो सकता है सर और बड़ी जीत हो जाए हमारी, इससे और बड़ी जीत, उसके बाद जो जीत होती है सर उसके बाद मजा अलग, बात अलग होता है सर। चलिए ठीक है, तो देखिए शिवानी जी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि संघर्ष के बाद जो जीत है उसका मजा ही और है, यह लोग संघर्ष करने के लिए तैयार है। इनसे हमने पूछा, ऐसा तो नहीं है 5 से 10 दिन में आप लोग उठ जाइएगा, क्योंकि सरकार सोचती है अरे 5 से 10 दिन में ये लोग युवा है, कितना दिन संघर्ष करेंगे। मगर इनका साफ तौर पे कहना है यहाँ से हम लोग उठने का तो सवाल ही नहीं है, आए हैं तो नौकरी लेकर ही जाएंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सरकार तक ज़रूर आवाज़ पहुँचे, ये बुलंद हौसले से बिहार की बेटी सड़कों पर बैठी हुई है। धन्यवाद।